दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में कि अगर आप इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इस बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस बैंक में ऑनलाइन भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि एचडीएफसी बैंक में हमें ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वीडियो आज का ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का सबसे बेस्ट बैंक एचडीएफसी बैंक है, इसलिए अगर आप इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छी बात है। आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक में अगर आप ऑनलाइन भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको बैंकिंग के सारे फैसिलिटी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, साथ ही इसमें भी आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम कोई थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन यूज करें, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, या फिर और कोई थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन है, तो आप उन सब का भी यूज कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बैंक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्टूडेंट लोगों के लिए अभी भी एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट ओपन किया जाता है। साथ ही इस बैंक में आपको एसएमएस अलर्ट और ईमेल स्टेटमेंट का ऑप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं, इसके लिए आपको कोई भी अलग से चार्जेस वगैरह पे नहीं करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर दो तरह से केवाईसी कंप्लीट करने का ऑप्शन है, आप चाहे तो ब्रांच विजिट करके भी अपना फुल केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपना फुल केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप केवाईसी कंप्लीट नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप विदाउट केवाईसी भी इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक साल के अंदर में आपको कभी भी अपने इस अकाउंट का केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। तो हम बात करते हैं कि आखिर हम इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आपको एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इस वेबसाइट का यूआरएल लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होकर के इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां से आप अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर आपको एक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर में आप अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से आपको सेविंग अकाउंट चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा, जो भी मोबाइल नंबर आप अपने बैंक के साथ रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, वे मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। आप चाहे तो पैन कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना पैन कार्ड को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड के नंबर होगा, आप अपना पैन कार्ड के नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए, ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाएंगे, इसको आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है, टिक लगा देना है और इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा, उस मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा, आप वे ओटीपी कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी कारण से ओटीपी नहीं जाता है तो आप उसको फिर से यहाँ से रिसेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से आधार कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है आप भी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीजें आपको इंस्टेंट चाहिए तो आपको इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हैं आप लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से आप एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप केवाईसी करने के लिए आधार कार्ड सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप वोटर आईडी कार्ड वगैरह सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है, आप अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप वोटर आईडी कार्ड वगैरह सबमिट करते हैं तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। तो मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल कर दिया है। अब हम यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर
क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक OTP कोड सेंड किया जाएगा। आप अपना OTP कोड यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको इस टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर टिक लगाएंगे और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने अपना OTP कोड यहाँ पर फिल कर दिया है और इस टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद HDFC बैंक में जितने भी तरह के अकाउंट ओपन किए जाते हैं उन सब के बारे में डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से रेगुलर सेविंग अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो भी स्टेट है आप अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका सिटी है आप अपना सिटी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जो भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप अपना ब्रांच यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जब ये तीनों डिटेल आपका फिल हो जाएगा तो यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल फिल करने होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप अपना एक प्रोफाइल फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा आप फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी आपका लास्ट नेम होगा आप लास्ट नेम यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे, आप अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। इसके बाद जब ये पूरा डिटेल आपका फिल हो जाएगा तो आप यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, जैसे कि अगर आपको ईमेल स्टेटमेंट चाहिए तो आप इसको यस करेंगे। इसके बाद अगर आपको थर्ड पार्टी कोई UPI एप्लीकेशन यूज़ करना है, मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग वगैरह, तो आप इसको भी इनेबल करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना एक्यूपेशन टाइप यहाँ से सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो भी एक्यूपेशन है आप अपना एक्यूपेशन टाइप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड सेलेक्ट करना है कि आपका फंड कौन से माध्यम से आता है। इसके बाद आप यहां से ग्रोस एनुअल इनकम आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। जब ये डिटेल आपका फिल हो जाएगा तो आप यहां से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना लैंडमार्क यहां पर फिल करेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा आप अपना स्टेट यहां पर फिल करेंगे, जो भी आपका सिटी होगा वे सिटी आप यहाँ पर फिल करेंगे, आप अपना पिन कोड यहाँ पर और आप अपना कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जब ये पूरा डिटेल आपका हो जाता है तो आप यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको वीडियो KYC कंसेंट देनी होगी। यहाँ पर कुछ डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि आप वीडियो KYC करेंगे तो आपको कौन कौन से चीज़ें की जरूरत पड़ेंगे, जैसे कि आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, अच्छे कनेक्शन होना चाहिए इंटरनेट की। इसके बाद आपके पास एक ब्लैंक पेपर और आपके पास एक पेन होना चाहिए ताकि आप वहाँ पर सिग्नेचर कर पाए, तो आप इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आप वीडियो KYC करने के लिए यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। जो भी हमारा अकाउंट नंबर है वे अकाउंट नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, जो भी हमारा IFSC कोड है, कस्टमर आईडी है, वे सारी डिटेल्स यहाँ पर में शो कर रहा है। इसके बाद अगर आप अपने अकाउंट में फंडिंग करना चाहती हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आप अपने अकाउंट में कितने बैलेंस ऐड करना चाहती हैं और इसके बाद इस टर्म्स को आप एक्सेप्ट करेंगे और ऐड मनी नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फाइनली हमारा अकाउंट ओपन हो गया है। अब हमें वीडियो KYC करनी होगी। वीडियो KYC करने के लिए यहाँ पर देखिए स्टार्ट वीडियो KYC का जो ये ऑप्शन है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको वीडियो KYC करने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर जो भी चीज़ें की जरूरत होंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि आपके पास पेन कार्ड होना चाहिए, आपके पास ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन और एक ब्लैक या फिर व्हाइट पेपर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए जिसमें वीडियो कॉलिंग सपोर्टेड हो, साथ ही आपके पास प्रेजेंट में इंटरनेट कनेक्शन अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारी सुविधा है तो आप यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा और आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपना वीडियो KYC कंप्लीट कर। तो इसी तरह से आप HDFC बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, CRN नंबर, कस्टमर आईडी सब कुछ आपको स्टैटिक मिल जाते हैं और आप अपने इस अकाउंट का यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके रुपए डेबिट कार्ड रहेंगे, जो भी आपका चेकबुक रहेगा, जो भी आपका वेलकम किट रहेंगे, वे आपके एड्रेस पर भी बाय पोस्ट पहुंच जाएंगे। हो सकता है 1 वीक या फिर 2 वीक के अंदर में आपके एड्रेस पर भी बाय पोस्ट आपका वेलकम किट वगैरह पहुंच जाएंगे।
अब हम बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक में हमें ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इतना बेनिफिट्स आपको कोई भी अदर बैंक में देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बैंक में विदाउट केवाईसी भी आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और स्टूडेंट लोन के लिए जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट ओपन किया जाता है। तो आप जरूर से जरूर इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कीजिए। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ही देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी कारण से आपके सवाल के जवाब हम कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाए, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके सवाल के जवाब एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।